बालोद में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को प्रोजेक्टर के माध्यम से दर्शकों को लाइव दिखाया गया। इस दौरान शहर के संजारी क्लब के पास लोगों ने गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर उत्साह मनाया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने शहर में रैली निकालकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। आज पूरे देश में दिवाली मन रही है, आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, बालोद जिले में देख सकते हैं जनता का उत्साह। पूरे देश के चोर एक हो गए थे परंतु नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं पाए। आज ये उसका उतना उत्साह है, इतना उत्साह आपको पूरे देश में दिवाली में नहीं दिखा होगा जितना आज आपको देखने मिला है। जब से रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं पूरे देश में दिवाली का माहौल है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बैठ रहे हैं, इसलिए आज पूरा देश बहुत गौरवान्वित है और पूरा देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से इस बार 5 साल तक देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आज मोदी में फिर से एक बार तीसरी बार हो रहे हैं और यह देश जान रहा है कि हमारे जननायक हमारे देश के भाग्य विधाता फिर से वापस प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। शपथ के साक्षी आज पूरे देशवासी के साथ हमारे बालोद में और बालोद शहर में एक ऐसा माहौल है जैसे कि हमने सपना देखा था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उस राष्ट्र की ओर भारत देश बढ़ रहा है। वो पूरा अथक प्रयास पूरा मेहनत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है और आने वाले समय में देश का जो कायाकल्प होने वाला है, जो देश दुनिया देखने वाली है, उसका एक अलग आयाम भारत देश रखने वाला है। आज विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी का तीसरी पारी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बालोद नगर के पूरे जनता में बहुत ही उत्साह है, उमंग है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय भोजराज नाग जी को बालोद की जनता ने बहुत ही बहुमत के साथ यहां पे मतदान किया है 4,922 वोटों से। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से बालोद के नगर के पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उन प्राण प्रिय कर्मठ कार्यकर्ताओं का जिनके थक मेहनत से हमने विजय श्री प्राप्त किया है। आज इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बालोद की जनता की ओर से पूरे सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत ही खुशी हो रही है, देश और उन्नति करेगा इसी उम्मीद के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आज शपथ ले रहे हैं। एक एक बालोद के कार्यकर्ता देश के जनता को बहुत ही खुशी है और हम सबको भी खुशी, और आज यह माहौल बता रहे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की कितनी खुशी है। भाजपा के बड़े नेता राकेश यादव जी मौजूद हैं, जानेंगे तमाम जानकारियां लेंगे उनसे, कैसी तैयारी की गई है यहाँ पर, कैसी तमाम तैयारियां की गई है यहाँ पर दर्शकों को दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने में जनता जनार्दन को यहाँ बहुत प्रसन्नता है। पूरे बालोद शहर के 200 वार्ड से लोग आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4,922 वोट से यहाँ पर विजय मिली है। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष सुरेश निर्मल कर के नेतृत्व में भाई कमलेश सोनी और सारे साथियों ने जो शहर में मेहनत की, वार्ड वार्ड में बैठक लिया, हमारे तमाम बड़े लोग चाहे यहाँ के बालोद शहर के भाई यशवंत जैन जी हो, यदत्त शर्मा जी हो, सुरेश हो, कमलेश हो, कि हमारे वार्ड का छोटा कार्यकर्ता हो, सारे लोगों ने मिलकर बालोद शहर से 5 और मैं इस विधानसभा क्षेत्र का छाया विधायक होने के नाते इस विधानसभा से 19,681 वोट से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मैं तमाम मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इन परिस्थितियों में भाजपा को विजय बनाया। और आप सबको आप देख सकते हैं सारी तीनों पीढ़ी के लोग हमारे समारोह में आए हुए हैं, आदरणीय वार्ड के पुराने बुजुर्ग लोगों, हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं, चाहे हमारे युवा मोर्चा के साथी हो, सारे लोगों को बड़ी प्रसन्नता है और मैं आपको भी बधाई देता हूं। इस देश को हम 2047 को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस भारत का एक एक आदमी आज नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं, मन आनंदित है, उल्लासित है, हम माँ भारती को पूरा परम वैभव बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ पर देखिए तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और जो माताएं हैं वो सभी को तिलक लगाकर सभी का अभिनंदन कर रहे हैं।
हम तस्वीर में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पूरे दर्शक बैठे हुए हैं, आगे महिलाएं बैठी हुई हैं, इसके बाद में फिर जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके साथ में हमारे साथ में प्रदेश के बड़े नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा कि आप आगे आएंगे, क्या माहौल है, कितना उत्साह है, जो कार्यकर्ता जमीन स्तर पर गए, मेहनत की नहीं उन्होंने, कितना सफल और उत्साह आप देख ही रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार बन रही है, देश के लिए हमारे लिए सौभाग्य गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा बालोद शहर की जनता और बालोद शहर के आम लोग भी यहाँ शामिल है। उत्साह देख रहे हैं आप, अभूतपूर्व उत्साह है। लोग जो है चाह रहे थे मोदी जी बने, आज वो हमारी सपनों को पूरा होने की स्थिति आ गई है। इसलिए बालोद की जनता जिन्होंने हमको बालोद से लीड दिलाया उनका भी हम आभार कर रहे हैं, और एक अभूतपूर्व उत्साह आज इस अवसर पर बालोद यहाँ पर जिला केंद्र में हम लोग मना रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद और क्या कार्यक्रम? इसके बाद अभी मिष्ठान वितरण किया जाएगा, यहीं पे स्वल्पाहार होगा, उसके बाद बाइक रैली होगी, आतिशबाजी होगी, एक प्रकार से पूरे शहर में अलग अलग चौक में जो है उत्साह का वातावरण, हर मोहल्ले में उत्साह का वातावरण है। हम बाइक रैली इसके बाद करेंगे। बिल्कुल पूरा उत्साह का वातावरण है बालोद में, और ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे थे यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और लाइव यहाँ से देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो यहाँ पर बैठकर लाइव यहाँ से देख रहे हैं। सादा न्यूज के लिए कैमरामैन सोमकांत के साथ संजय सोनी बालोद। आज पूरे देश में दिवाली मन रही है, आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, बालोद जिले में देख सकते हैं जनता का उत्साह। पूरे देश के चोर एक हो गए थे परंतु नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं पाए, आज ये उसका उत्साह है, इतना उत्साह पूरे